गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम SIRT कॉलेज भोपाल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इवन एंड ऑड नंबर को कैसे चेक करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू इफ कंडीशन लगा करके। अब हम उसी इफ कंडीशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि गिवन नंबर हमारा जीरो है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो इस कंडीशन पे हमें तीन कंडीशन लगेगी, इफ लगेगी, इफ के बाद एल्स लगेगी, देन एल्स लगेगा। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर इज जीरो। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी एलिफ कंडीशन एल इज। सेकेंड कंडीशन के लिए हम एलिफ यूज करते हैं, देन हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये दोनों हमारी कंडीशन थ्रू नहीं हुई है तब एल्स कंडीशन आती है, और वो एल्स कंडीशन में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, वो अपने आप प्रिंट कर देता है कि दिया हुआ नंबर हमारा निगेटिव है, मीन्स गिवन नंबर इज निगेटिव। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर यूजर के थ्रू हमने ए इक्वल टू 4 लिखा है तो वो हमें मैसेज प्रिंट करके बताएगा कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमने ए में हमने 0 डाला है तो वो हमें बताएगा कि गिवन नंबर इज 0। अगर हमने